ये तस्वीरें हैं मेरठ के वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी की। वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी ने एक अभियान की शुरुआत की है जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन स्माइल 2024। इस अभियान के तहत वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के मेरठ और गजरोला कैंपस में काम करने वाले 500 से भी अधिक टीचर मेरठ, मुरादाबाद और पश्चिम यूपी के 100 गांवों में पढ़ाने जाया करेंगे। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश में पिछले एक दशक में कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, नई शिक्षा नीति हो, उनके बारे में उनके दम पर 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है उसी को लेकर ये यात्रा प्रारंभ की गई है। ये टीचर शनिवार और रविवार को ऐसे बच्चों को पढ़ाया करेंगे जिन्हें इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में बैठना है। वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के टीचर गरीब और मेधावी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएंगे ताकि उनके एग्जाम की तैयारी कराई जा सके। इसी कड़ी में आदरणीय समूह चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी जी के निर्देशन में गरीब मेधावी बोर्ड अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं उनके लिए कैरियर मार्गदर्शन के लिए वेंकटेश्वरा की 500 सदस्यीय टीचर्स की टीम गांव-गांव जाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के और बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देने का काम करेंगी। इस योजना को हमने संकल्प भारत यात्रा के साथ जोड़ते हुए ऑपरेशन स्माइल 2024 का नाम दिया है, जिसके तहत हम चिन्हित 101 गाँव में जाकर बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देंगे और उन्हें बोर्ड की तैयारी में सफलता के लिए टिप्स देंगे हमारे। वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के मुताबिक भारत को विकसित देश बनाने के लिए इस तरह के अभियान चलाए जाना बेहद जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षा लेकर देश के विकास में अपना सहयोग दे सके। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।